नमस्कार, इंडिया न्यूज डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी, या यूं कहें कि ये किस्सा, बहुत से लोगों को शायद यहां पर या तो उन्होंने सुना नहीं होगा, या फिर जानते नहीं होंगे, या फिर यहां तक पहुंचा नहीं होगा। ये किस्सा है गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों का। तारीख है 24 दिसंबर 2009, जब एक शहर के भीतर सैकड़ों फीट नीचे जो है, जो टनल बोरिंग मशीन जो होती है, चुपचाप वो टनल बना करके कैसे मेट्रो के लिए टनल खोद देती है और ऊपर चल रहे लोगों को पता तक नहीं लगता, वो टनल पहाड़ों में फंस जाती है। सामने से पानी का स्रोत फूट पड़ता है। वो टनल अपनी खुदाई का काम कर रही थी, जैसे कि खुदाई का काम वो मेट्रो के लिए यहां पर करती है। वो खोदती चली जा रही थी पहाड़ों को, गढ़वाल के पहाड़ों को खोदती चली जा रही थी दिन रात। तो ऐसे में अचानक उसका सामना होता है, सामने से फूट पड़ता है बहुत तेज पानी का बहाव, पानी का फवारा। तो ये पानी का जो सामना होता है वो इतना बड़ा जलप्रपात होता है जो कि नेचुरल होता है। बड़े से बड़े इंजीनियर्स को बुला लिया गया, टीबीएम वहीं पर बंद हो जाती है, यानी टनल बोरिंग मशीन वहीं पर बंद हो जाती है, और जो सामने से पानी है वो बहुत तेज गति से आता है, बिल्कुल साफ पानी बहुत तेज गति से आ रहा है। दिन बीत जाते हैं, हफ्तों बीत जाते हैं, पहले बात बाहर नहीं आती है, फिर धीरे धीरे बात बाहर आने लगती है। उसके बाद इंजीनियर्स पहुंचते हैं, चुपचाप इंजीनियर्स पहुंचते हैं। इंजीनियर्स के बाद जो है बुलाया जाता है तमाम एक्सपर्ट्स को कि किसी तरीके से बात बाहर ना निकले कि कैसे पहाड़ के नीचे सुरंग के बाद सामने पानी का फवारा निकला और टीबीएम स्टार्ट नहीं हो रही है, वहां पर फंसी हुई है। लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पानी ऐसे ही चलता चला जाता है। और पहाड़ के 3 किलोमीटर के अंदर आकर के, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो है रोज, यानी कि लंबे समय तक, मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, रोज 6 से 7 करोड़ लीटर पानी बहता रहता है। धीरे धीरे हुआ क्या, वो जल भंडार जो कि नेचुरल था खाली हो गया। अब आपको बताऊं ये कौन सा पहाड़ था। ये पहाड़ था अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर खड़ा पहाड़, 3 किलोमीटर, यानी जिसके ऊपर जोशीमठ खड़ा है। उसके नीचे का जलप्रपात, यानी जोशीमठ जिसके ऊपर खड़ा था, वो खाली हो गया। तो कुल मिलाकर के जोशीमठ के दरकने की कहानी मैं आपको बताऊं, ये 24 दिसंबर 2009 को ही पड़ गई थी। इसकी नींव 24 दिसंबर 2009 को ही पड़ गई थी। उसके बाद क्या इंतजार किया गया, उसके बाद लगातार क्या इंतजार किया गया, क्योंकि खोखले पहाड़ पर जोशीमठ खड़ा हो गया और इसकी किसी को भनक ही नहीं लगी। वहां के एक्टिविस्ट थे, मांग किए जाने लगे, लेकिन वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का काम वैसे ही किया जाने लगा। जो जल स्रोत था, जो नेचुरल जल स्रोत था, वो तो खाली हो गया, लेकिन वहां से धीरे धीरे छोटी छोटी दरारें जो हैं जोशीमठ में पहली बार देखी गई, बढ़ती चली गई। धीरे धीरे जो आसपास के जल स्रोत पड़ते थे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा जल स्रोत था और अलकनंदा नदी के बाएं तरफ था, वो जल स्रोत के बाकी जो जो जल स्रोत थे वो भी खाली होते चले गए। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जो पहाड़ था जिसके ऊपर जोशीमठ खड़ा था, वो खोखला हो गया। अब खोखला हो गया तो उस खोखले होने के बाद उस पहाड़ पर एक शहर के खड़े रहने की भी सीमा थी। उस शहर वालों को पता भी नहीं लगा कौन उनके नीचे से, उनकी जमीन नहीं, उनका पानी खींच करके चला गया, जिस पानी के ऊपर उनकी जमीन बनी थी, उनका पहाड़ बना था, उनका आशियाना था, और उस खोखले पहाड़ को दे करके चला गया। उस खोखले पहाड़ के ऊपर रहने को मजबूर हो गए और उनको मालूम ही नहीं लगा कि वो कहाँ की बोरिंग मशीन जो कि मेट्रो को बनाया करती थी, मेट्रो के लिए सुरंगें खोदा करती थी, उनके पहाड़ को खोद करके चली गई। और खोद करके दरअसल उनको ये लगा कि जाने उनके आशियाने की कब्र खोद करके चली गई। तो इस तरीके से जोशीमठ अब शायद एक याद बन करके रह जाएगा, जिस तरीके से जोशीमठ दरक रहा है। क्योंकि फिलहाल अब यही कहा जा रहा है, अगर आपको लग रहा है जोशीमठ से सिर्फ रोने की, सिसकने की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि अब सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जोशीमठ से सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू किया जाए, वहाँ पर लोगों को बचा लिया जाए, लोगों को बचाया जाए। जोशीमठ में जान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी वक्त ताश के पत्ते के दौरान जोशीमठ गिरने लगेगा, हो सकता है 40 से 50 घर भी, कई ज्वेलर्स कह रहे 40 से 50 घर जो है वो इकट्ठे गिर जाएं।
बारिश बहुत बड़ा इसमें कारण हो सकती है, इस कारण से लोगों को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा रेस्क्यू है। लेकिन हम याद रखेंगे ये प्राकृतिक नहीं, क्या मानवीय त्रासदी है जो मानव ने निर्मित की, मानव को दी प्रकृति से छेड़छाड़ करके। जोशी मठ जो कि एक शहर था,